अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा मसूद, कंसल्टेंट डाइटिशियन और लाइफस्टाइल मॉडरेटर। इस वीडियो का मकसद आप लोगों के साथ एक प्रैक्टिस को शेयर करना है जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जब भी एक बच्चा 3 से 4 माह का होता है तो हमारे घरों में उसको सेमी सॉलिड्स या सॉलिड फूड खिलवाना शुरू कर दी जाती है। उस प्रोसेस को वीनिंग करना कहते हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस में जो देखने को मिलती है, हमारी जो माएँ हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो उसको घरों में जो आम इस्तेमाल होने वाला गाय का दूध है वो भी पतला करके पिला रहे होते हैं। इस गाय का दूध को पतला करके बच्चे को पिलाना बहुत गलत है। पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन के मुताबिक 1 साल से छोटे बच्चों को कभी भी गाय का दूध नहीं देना चाहिए। इसकी वजह ये होती है कि गाय के दूध में प्रोटीन कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है। बच्चे की किडनी जो है वो भी कमजोर है, वो उस प्रोटीन को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी। उसकी वजह से आपकी जो किडनीज हैं बच्चे की, उस पर लोड पड़ना शुरू हो जाता है। कुछ बच्चों को उस वक्त डायरिया या लूज मोशन हो जाती है, कुछ बच्चों को किडनी ओवरलोडेड होने की वजह से उनको लेटर एज में किडनीज जो डैमेज होने का खदशा होता है। इसलिए 7 साल से नीचे कभी भी छोटे बच्चों को गाय का दूध बेशक पतला डाइल्यूट करके कंसंट्रेटेड जिस तरह का भी है वो नहीं देना चाहिए, बहुत गलत प्रैक्टिस है। अपने फूल जैसे छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें, गलत न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस उन पे अप्लाई मत कीजिए। बच्चों को सेहतमंद खुराक उनकी जरूरत के लिहाज से लाजमी खिलाइए। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हेल्दी जर्नी।